हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो ये जो पार्ट है आपका हिंदी के जो सीरीज चले आ रही थी उसी का लास्ट पार्ट है, और इसमें आपके संस्कृत के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 100% इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज है या अपडेट है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको आज के क्वेश्चंस पर, और जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और इससे पहले लगभग आपके सारे सब्जेक्ट मैं कवर करा चुका हूँ, तो उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको सच में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है लघुकाया मंडूकः किम आरब्धवान, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लघुकाय मंडूक मंदम मंदम स्तंभ से आरोहणम आरब्धवान। नेक्स्ट जो आपने देखना है इसमें, अरुणाचल प्रदेश रूप ग्रामे को निवसति स्म। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। अरुणाचल प्रदेश रूप ग्रामे उमो सहोदरो निवसता स्म। अगला प्रश्न जो आपने देखना है वह है कंचु की है सुयोधन से सभा के कम प्रवेशयति। तो क्वेश्चन है आपका कहा नंबर, तो इसका देख लेते हैं आंसर। चुकी है सुयोधन से सभा दूते केशवा केशवा प्रवेशयति। अगला जो प्रश्न आपने देखना है कच्छ भूकंप से भैरव विभीषका कदा जाता। अड़ा नंबर है इसका आंसर जो हो जाएगा, कच्छ भूकंप भैरवा विभीषका 2001 तमे वर्षो गणतंत्र दिवस पर्वणि दिवसे जाता। अगला है यदा कदा गगने के वृथा गर्जन्ति। तो इसका तो आंसर अम्बुधा ही होगा, क्योंकि बादल को अम्बुधा कहते हैं। यदा कदा गगने अम्बुधा वृथा गर्जन्ति। नेक्स्ट जो आपने देखना है युधि विक्रम, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं प्रिपेयर करना है। देखो मेन जो है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अगला जो जो आपने देखना है वो है कस्य आश्रय है सर्वदा कष्टकारा। तो इसका आपने पिछले वाले पार्ट में देख लिया था आंसर, अन्य आश्रय, ठीक है, यानी दूसरों के भरोसे अगर हम रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। कस्मे मांस सेवनम ना रोचते स्म, कौन सा था जो मांस नहीं खाता था। तो इसका आंसर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो जाएगा बौद्ध सन्यासी ने मांस सेवने ना रोचते स्म, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें, और जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बच्चों वही क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको याद नहीं करना है। अगला जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत से पितु नाम किम आसित। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा मनोरथ पंथा, ठीक है। अगला है गांधारी कस्य माता आसित, तो गांधारी दुर्योधन से माता आसित। नेक्स्ट जो आपने देखना है इसमें तो अभी और है नहीं, अगले उस पर चलते हैं। मंडूक कुलेन का आयोजिता, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडूक कुलेन कचित स्पर्धा आयोजिता। फिर आपने देखना है कक्षा प्रमुखा का हस्ते, तो कक्षा प्रमुख कौन है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कक्षा प्रमुख वाला कौन सा है, कक्षा प्रमुखा खा नंबर, तो इसको आ जाएगा अदिति, ठीक है। अगला प्रश्न है कश्य आश्रय सर्वदा कष्टकारा, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, अन्य आश्रय। फिर है केशम अचैतन्यम ना विद्यते, बड़ा नंबर है। वृक्ष अभी सुख से दुख से च अनुभव कुर्वन्ति यथा वृक्षणाम अचैतन्य नास्ति, साग्रंथा गाम के हरिष्यन्ति। और इसका जो आ जाएगा 4 नंबर का आंसर वो है साग्रंथा गा पांडवा हरिष्यन्ति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं सर देख रहे हैं क्वेश्चन वो है पहला जो आपने देखना है बहवो अम्बोधा कुत्र वसंती, तो बहवो अम्बोधा इसका आंसर हो जाएगा गगने, ठीक है। उसके बाद है धर्मात्जा है इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इति पदम युधिष्ठिराय प्रयुक्तम। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि निम्नांकित तो सब सूचिता सद्वान चित्वा चतवारी वाक्यानि उत्तर पुस्तिका लिखत। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 शब्द उठाने हैं जो आपको इसमें दे रखे हैं एक बॉक्स के अंदर, और इनसे आपने वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो इनको तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, सिंपल इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। जैसे जिग्रंथि पादपा अपि जिग्रंथि एव तथा एव तस्य राजनीतिकं जीवनम आरब्धवान जलम दिलीप कुपात जलम आनयति। तो इनको एक बार यहाँ से आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, बट इनको आप सभी को कर लीजिएगा प्रिपेयर, ठीक है। ऐसे ही आपके नीचे हैं 7 और ये 10 तक, इनको आप देख लीजिएगा। फिर है अगला, यहाँ पे भी सेम वही चीज देखिए, तो इनको आप छोड़ सकते हैं, इनको नहीं करना है। मेन है कि ऊपर के जो 2-3 हैं और एक इस वाले को देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी जो ये आपके ददाती हैं और अस्माकम है, ये 2 देख लीजिएगा।
और उसके बाद ये वाले जो हैं इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं जरा एक साइड में ले लेता हूँ, इनको आपने सभी को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इन्हीं में से इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो अब आपने देखना है आगे, ये आपका क्या है, समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह में आप ये देख लीजिए, जीविकोपार्जनम, इसका कैसे आइए होगा, तत्पुरुष समास जीविका है प्लस उपार्जनम, फिर है न्यायालयम, न्याय प्लस आलयम तत्पुरुष समास, फिर है यथा यथा शीघ्रम, यथा प्लस शीघ्रम अव्ययभृत, फिर है राजकुमार राजस्य प्लस कुमारा तत्पुरुष, फिर राजपुत्र राजा का पुत्र राज्ञा पुरुषा तत्पुरुष समास, दीर्घकाय लक्षपतम लंबोदरा, ठीक है। तो ये आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर है अगला जो आपने देखना है, गम अथवा दा धातु उत्तम पुरुष लट लकार से बहुवचन का रूप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गम और दा के देख लिए, लकार लट लट और इसका पुरुष वचन और रूप, यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तम उत्तम बहुवचन बहुवचन गच्छाम और दधा, ठीक है। इनको आपने प्रिपेयर करना है। और ये जो आपका 2 नंबर है इसको आप अच्छे से वीडियो रोक करके याद कर लीजिए, ऐसे ही 3रा नंबर याद कर लीजिए, 4था नंबर, 5वां नंबर, ठीक है। बस 5 नंबर तक आपने याद कर लेना है। इसमें फिर आगे जो आपने देखना है वो है यहाँ पे संधि विच्छेद करना है या संधि करना है, ठीक है। तो इन सभी का आप यहाँ से सिर्फ को अपि को देखो, का प्लस अपि, रामा रामा श्यते, मोस्ट इंपोर्टेंट है रामा प्लस श्यते, सोढ़म का हो जाएगा सा प्लस अहम, फिर है पितृ पितृ इच्छा, तो इसका हो जाएगा पितु प्लस इच्छा, दुर्योधन का हो जाएगा दुह प्लस योधना योधन, पुनरअपि का हो जाएगा पुनः प्लस अपि, और उसके बाद अधा प्लस गति है, इसका हो जाएगा अधगति, ठीक है। और आगे जो देखने हैं आपने, ये यहाँ पे आपको समास विग्रह करके लिखने हैं, पित्रो त्रिभुवनम समाजोत्थानाय यथाशक्ति, क्लियर हो गया, इनको आपने कर लेना है। अगला जो आपने देखना है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं दुर्योधना, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है और इन्हीं को आपने प्रिपेयर करना है। और ये आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले भी सारे क्वेश्चन आपको नहीं देखे, ना प्लस है नैव, फिर है गुरो प्लस आदेश गुरुदेश, ठीक है। और उसके बाद संधि करनी है किसके, निष्फलम के, निः प्लस फलम, पितृक्षा का, पितु प्लस शिक्षा भी आपने देख लिया थोड़ी देर पहले। अब यहाँ से आप क्या आ जाते हैं श्लोक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपने देखो हो जाएगा कंठस्थ श्लोक का हिंदी अनुवाद, तो आप यहाँ से श्लोक भी याद कर सकते हैं, रे रे चात का सावधान मनसा मित्रा क्षणम श्रूयताम अम्बोधा भैव वसंती गगने सर्वे अपि नेता दृशा, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका नीचे अनुवाद भी देखने को मिल रहा है, कोई 2-3 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक वो हो गया, फिर श्लोक है विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, तो आप इसका भी अर्थ यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इनमें से आपको जो सरल लगे मैं आपको सारे दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो आप इनमें से कोई भी 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि हिंदी का देखो हिंदी ही आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा बनाती है और यही आपकी ख़राब भी कर देती है। तो इतने क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देखे हैं जितने देख लिए, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो, आपके मन में कुछ भी पूछना हो, तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो आपका हिंदी का टोटल पार्ट थे जिसमें हमने ग्रामर सेक्शन देखा, फिर उसके बाद आपका रचना हो गया, और फिर आपका काव्य खंड गद्य खंड, फिर आपकी जो दूसरी बुक थी सिल्वर राइडिंग वाली स्टोरी देखी हमने, फिर संस्कृत वाले पोर्शन देख लिए सारे कंप्लीट। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।